going to start with subsidiary books to ledger posting. Now we have already understood कि ledgers कैसे बनते हैं, हमें already पता है कि उसका format क्या होता है, debit side क्या है, credit side क्या है. So वो सब technicalities में ना जाते हुए let us quickly understand कि अगर हमारे पास subsidiary books है और उसमें से मुझे ledger posting करना है तो मुझे कैसे करना है. And for your better understanding, I have made four subsidiary books over here. Purchase book, sales book, purchase return book and sales return book. अब ये चारों book में से normally हमें कैसे ledger post करना है वो हम आज समझेंगे. See, we have this books और हमें ये देखना है सबसे पहले तो कि हमें accounts कितने बनाने हैं. So first of all, purchase book is there, so purchase का account बनेगा. Then Swapnil, Om and Avi नाम के तीन suppliers हैं तो उनके भी account बनेंगे. Then purchase return book is there, तो purchase return का account बनेगा जिसमें Om and Avi नाम के suppliers दिए हुए हैं पर उनका account हमें दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है. The reason being we have already made the same above. Same way sales book is given, तो sales का account बनेगा. Then Tisha, Pooja and Riya, ये तीन हमारे customers हैं तो उनके भी account separately बनेंगे. अब हमारे पास है सेल्स रिटर्न बुक, तो सेल्स रिटर्न का अकाउंट बनेगा. एंड देन देयर इज पूजा एंड रिया का अकाउंट वंस अगेन, जो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है एज वी हैव ऑलरेडी मेड द सेम. अब टोटल वी आर सपोज टू मेक 10 लेजर अकाउंट्स. अब 10 लेजर अकाउंट्स बनाने हैं तो वो कैसे बनाएंगे, क्या करना है वो हम समझें. सी, जनरली परचेस अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है. तो इतना हमें पता है कि भाई परचेस अकाउंट में वी जनरली राइट एवरीथिंग ऑन डेबिट साइड. अब मुझे डेबिट साइड पे लिखना है पर क्या लिखना है. एम आई सपोज टू राइट ऑल द सप्लायर्स नेम वंस अगेन? नो. वाई सो? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेड दिस परचेस रिटर्न बुक, तो हमें ऑलरेडी पता है कि मुझे कौन से सप्लायर्स के नाम अगर जानने हैं तो आई कैन ईजिली मेक आउट फ्रॉम परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक. सो हियर इन परचेज अकाउंट वी आर नॉट सपोज टू राइट ऑल द नेम्स ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स. अब क्रेडिटर्स जनरली हम परचेज करें तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई एंड जेड पर्सन्स अकाउंट. सेम वे यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे परचेज अकाउंट में लेजर पोस्टिंग. सी, वी हैव दिस स्वप्निल, ओम एंड अवि नाम के तीन क्रेडिटर्स हैं जिनके पास से हमने टोटल परचेज करा है 2,10,000 का. सो इन परचेज अकाउंट ऑल्सो वी विल राइट ऑन अ डेबिट साइड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट. वाई सो? बिकॉज दे आर अवर क्रेडिटर्स. 2,10,000, 2,10,000 तो हमने लिखा. अब बात आती है डेट की, तो जनरली लेजर पोस्टिंग्स कब होते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ आई कैन से. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट 31st March, वट एवर योर ईयर इज. सो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,10,000. अब ये हो गया एक साइड अपना परचेज अकाउंट में, डेबिट साइड इज ऑलरेडी बीन रिटर्न. अब हम बात करें किसकी, अपने जो भी डेट आई मीन क्रेडिटर्स हैं उनकी. क्रेडिटर्स कौन कौन है? स्वप्निल, ओम एंड अवि. स्वप्निल, ओम एंड अवि के अकाउंट में 1,50,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली वी आर सपोज टू राइट. परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे वी हैव ऑलरेडी मेड द एंट्रीज. नाउ इन दिस थ्री अकाउंट्स, स्वप्निल, ओम एंड अवि, हम कौन सी साइड पे एंट्री करेंगे? इट इज़ बट नेचुरल हम क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे. टू फोल्ड इफेक्ट हो जाएगी अपनी. परचेज अकाउंट में डेबिट साइड इज डन, सो क्रेडिटर्स अकाउंट में कौन सी साइड जाएगा? इट विल बी ऑन क्रेडिट साइड. सो इन स्वप्निल्स अकाउंट बाय परचेज अकाउंट 1,00,000, इन ओम्स अकाउंट बाय परचेज अकाउंट हाउ मच इट इज
50,000. So in Om's account it will be 50,000, and in Avi's account, by purchase account, it will be 60,000. ये हो गई हमारी परचेस बुक की सारी पोस्टिंग, परचेस अकाउंट में डेबिट साइड पे एंड क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। अब हम बात करें नेक्स्ट अपनी सब्सिडियरी बुक की। द नेक्स्ट बुक इज परचेस रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न बुक है, परचेस रिटर्न हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे भी हम परचेस रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, जैसे हमने परचेस में लिखा सेम वे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। वाई सो हमें नाम क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि नाम ही अगर जानने हैं तो वी आर सपोज टू मेक दिस अकाउंट दिस बुक्स। सो हम बुक में जाके देख लेंगे कि भाई कौन है, तो उसके लिए हमें सेपरेटली नाम लेजर्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन परचेज रिटर्न अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड वी विल राइट बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने हैं इन अवे टोटल, इट इज 30,000, 10,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। सो हियर आई विल राइट 30,000। ये हो गया परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। अब यहाँ भी क्रेडिट साइड पे हुआ है, तो ओम एंड अवि के अकाउंट में हम रिस्पेक्टिवली कैसे लिखेंगे, 10,000 एंड 20,000। सो ओम के अकाउंट में डेबिट साइड पे आई विल राइट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 10,000, और अवि के अकाउंट में डेबिट साइड पे आई विल राइट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, इट इज 20,000। सो हियर द ओवरऑल पोस्टिंग ऑफ परचेज बुक एज वेल एज परचेज रिटर्न बुक इज डन। अगर आपको क्वेश्चन मार्क ये है कि मैम यहाँ पे ओम अवि के सेपरेट अकाउंट्स में कौन सी डेट लगानी है, तो वो तो हमें यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसी की डेट लगानी है, 4, 6, 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे भी आई विल राइट वॉट, यहाँ पे फर्स्ट डेट इट वॉज, देन यहाँ पे फोर्थ डेट इज इट वॉज, यहाँ पे फिफ्थ डेट इट वॉज, यहाँ पे इट इज सिक्स्थ डेट, एंड यहाँ पे इट इज सेवेंथ डेट। वी आर सपोज टू राइट द डेट्स इन ओम अवि और सेपरेट क्रेडिटर्स अकाउंट एज पर द गिवन डेट्स इन द सब्सिडरी बुक्स। पर जब हम टोटल लिखते हैं परचेस बुक या सेल्स बुक या परचेस रिटर्न बुक या सेल्स रिटर्न बुक में, तो हम कोई स्पेसिफिक डेट का नहीं लिखते हैं कि भाई हाँ ये क्रेडिटर का ट्रांजेक्शन हुआ तो चलो अब आज जाके उसका लेजर पोस्टिंग कर ले। वो हम कब बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ। तो हम उसमें कौन सी डेट लिखेंगे, 31st March। एंड द सेकेंड अप्रोच इन योर टेक्स्ट बुक में बी गिवन दैट लास्ट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन की लास्ट डेट है, यू कैन राइट दैट एज वेल, assuming that you are posting the ledgers on that particular last date। ये हो गई बात परचेस बुक एंड परचेस रिटर्न बुक की। अब हम बात करें सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक की। सेल्स बुक, सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, और हम किसको सेल करते हैं, अपने डेटर्स को। तो कैन आई से दिस ऑल, टीशा पूजा एंड रिया ऑल आर माई डेटर्स, वो क्या है मेरे लिए, मेरे डेटर्स है। तो वॉट आई विल डू इज 30th April बाय सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, whatever the total amount is, just a minute, your total amount is 2,50,000. So here in sales account we will write 2,50,000. नाउ सेल्स अकाउंट में कौन से हैं अपने कस्टमर्स, टीशा पूजा एंड रिया, तो उनके अकाउंट में रिस्पेक्टिवली वी आर सपोज टू मेक द एंट्रीज, और इट विल बी 30th।
लास्ट डेट हैज टू बी देयर वट एवर द मंथ गिवन इज, लास्ट डेट होना चाहिए. टीशा पूजा एंड रिया इज देयर, सो 80,000, 1,20,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली. तो अब हम सेल्स अकाउंट में तो एंट्री कर ली हमने क्रेडिट साइड पे, तो टीशा के अकाउंट में डेबिट साइड पे वी आर गोइंग टू राइट टू सेल्स अकाउंट, व्हाट इट वाज 80, 120 एंड 50 रिस्पेक्टिवली. सो 80,000. सेम वे पूजा के अकाउंट में टू सेल्स अकाउंट 1,20,000 एंड इन रियाज अकाउंट सेम वे टू सेल्स अकाउंट इट विल बी 50,000. आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया कि हमें सब्सिडियरी बुक में से लेजर पोस्टिंग कैसे करना है. और इन लोगों की भी डेट्स हम देख ले रिस्पेक्टिवली, जो भी डेट्स हमें दे के रखी है सब्सिडियरी बुक्स में वो डेट्स हमें यहाँ पे लिखनी है. द डेट इज 2nd, 6th एंड 9th, सो वी आर गोइंग टू राइट दिस 2nd, 6th एंड 9th. चलो ये हो गया सेल्स बुक का पूरा पोस्टिंग. अब बात करें हम सेल्स रिटर्न बुक की. सेल्स रिटर्न क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट साइड पे वी आर गोइंग टू राइट टोटल अमाउंट दैट इज 60,000. सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट साइड पे 30th अप्रैल को टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट. हमारे कौन से डेटर्स थे? दो डेटर्स थे जिन लोगों ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए हैं. इट इज पूजा एंड रिया, 50,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली. सो वी विल राइट ओवर हियर 60,000. हमें कंपल्सरीली परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये चार अकाउंट्स में सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री डेटर्स रिस्पेक्टिवली वर्ड्स यूज करने हैं. वी आर नॉट सपोज टू राइट द सेपरेट वर्ड्स ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स एंड डेटर्स. अब पूजा एंड रिया के पास से हमें गुड्स वापस मिले हैं. इट इज 50,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 7th एंड 10th. सो ऑन इन देयर अकाउंट ऑन 7th of April वी विल राइट बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, इट विल बी 50,000. एंड हियर ऑन 10th of April वी कैन राइट बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, इट इज 10,000. ये हो गया पूरा पोस्टिंग चारों की चारों सब्सिडियरी बुक्स का. अब मैंने आपको बैलेंस करना ऑलरेडी सिखाया था, तो इन दिस केस मैं 1 और 2 लेजर्स का आपको एक बार अगेन रिवीजन करवा दूंगी, बैलेंस करवा के कि भाई बैलेंस कैसे निकालते हैं. बाकी वी आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम बैलेंस प्रोसीजर वंस अगेन इन दिस. बट आपको अब ये आइडिया होना चाहिए एज वी हैव ऑलरेडी मेड द सेम इन द प्रीवियस वीडियो. सो हियर इन परचेस अकाउंट इट इज 2,10,000. सो दोनों साइड पे वी आर गोइंग टू राइट 2,10,000. हियर द बैलेंस इज 2,10,000. सो आई एम गोइंग टू राइट बाय बैलेंस कैरिड डाउन ऑन वट एवर द डेट इज, लास्ट डेट इज. ये आपको आएगा, सेम वे करना है. ओम का अकाउंट है तो उनमें हम कर ले कि भाई 50,000 इज द हायर वैल्यू. सो 50,000 हम टोटल में लिखेंगे दोनों साइड पे. एंड हियर देयर विल बी सम बैलेंस दैट इज 40,000. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट टू बैलेंस कैरिड डाउन ऑन वॉट एवर द लास्ट डेट इज, और वो हम नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ लेके जाएंगे. सेम वे अभी के अकाउंट में करेंगे, 60,000 है तो 60,000 लिख देंगे दोनों साइड पे. यहाँ पे कुछ बैलेंस आया दैट इज 40,000. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट टू बैलेंस कैरिड डाउन. एंड सेम वे वी आर गोइंग टू रिपीट द प्रोसीजर ऑफ बैलेंसिंग द सेम. सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू प्रिपेयर
ledger accounts from subsidiary books. This is simple single columnar subsidiary books जिस पे से हमने ledger posting करा है. In some one or two class later, I'll explain you the subsidiary books that is of multi columnar subsidiary books और उसका ledger posting कैसे होता है वो भी हम देखेंगे. In next video we'll see the ledger posting from cash book as well. I hope you are clear with this four subsidiary books ka ledger posting. Thank you.